हजार बरख गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिलते रहेंगे जो खिलने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेजबान मोहम्मद आमिरा। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद यावर निसार, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्वालिफायर। आप सभी लोगों को मालूम होगा गुज़श्ता शब 12:30 बजे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नताइज मंजर आम पर आए तो वादी कश्मीर की अगर बात करें, वादी कश्मीर के अतराफ व अकनाफ से उभरते हुए सितारे निकले और एक बार फिर इन उभरते हुए सितारों ने वादी कश्मीर का नाम रोशन किया है। इस वक्त हम मौजूद है लिवर में और लिवर से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद यावर है। यावर ने 37वीं पोजीशन हासिल की है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम में। आप देख रहे हो यावर को दुल्हे की तरह सजाया गया, यावर की माँ भी यहाँ पे मौजूद है, पापा भी मौजूद है। अगर कैमरा उस साइड घुमाए तो वहाँ पे भी शादियाना है, लेकिन कैमरा वहाँ हम घुमाएंगे नहीं, यावर से ही सीधे बात करेंगे। यावर, सबसे पहले कश्मीर क्राउन की तरफ से आपको ढेरों मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। यावर, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि केएएस का इम्तिहान जो है बहुत सारे अफराद इसमें फॉर्म भरते हैं, लेकिन कुछ ही लोग किस्मत आजमाने में कामयाब हो जाते हैं। आप अपने सफर के बारे में बताएं, कहाँ से शुरू किया और आपने आज केएएस एग्जाम क्वालिफाई किया? जी, मेरी एलिमेंट्री स्कूलिंग मेरे लोकल स्कूल से ही हुई है। मैंने प्राइमरी लेवल तक स्कूलिंग अलामान से करी है, उसके बाद से मैंने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल पहलगाम से किया। देन आई डिड दिस इंजीनियरिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू, आफ्टर विच आई पास आउट ऑफ कॉलेज इन 2019। एंड आफ्टर दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। पिछले 2.5-3 साल से मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन दिल्ली में कर रहा हूँ। यावर, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे चूंकि 37वीं पोजीशन आपको आई है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन थी ऐसे फ्लाइंग कलर्स के साथ मैं क्वालिफाई करूँ? टू बी ऑनेस्ट, दिस एग्जाम इज अ लिटिल अनप्रेडिक्टेबल। दो सब्जेक्टिव एग्जाम है तो आपको इतना श्योरिटी रहती है कि अच्छा, अगर मैंने कुछ लिखा है तो इट विल बी इवेल्युएटेड ऑन द मेरिट। बट एट द सेम टाइम इसमें ये बहुत सारा लक फैक्टर भी होता है, आई वुड से। एंड उसका मुझे थोड़ा सा पहले से ही लग रहा था कि शायद इस टाइम लक मेरे साथ है, एंड आई वॉज लाइक अ लिटिल होपफुल दैट आई विल फीचर इन द लिस्ट। यावर, हियर वी वांट टू नो योर लास्ट क्वालिफिकेशन, कहां पे आपने तालीम हासिल की लास्ट बार? मैंने अभी मैं करंटली जामिया मिल्लिया इस्लामिया रेसिडेंशियल कोचिंग अकेडमी में मैं सिविल सर्विस यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आई एम करंटली देयर ओनली। मुकम्मल तौर पर अगर बात करें, क्या पहले से ही केएस का ख्वाब आपने सोचा रखा था या कुछ और जहन में था? जी, सिविल सर्विसेज का ख्वाब हाँ कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में तो था, बट वही जो हमारी सोसाइटी हमें देती है कि आफ्टर 10th ईदर डॉक्टर और इंजीनियर, मैं भी उस चीज़ से गया गुजरा हूँ। बट इट वाज इन माय कॉलेज के पहले साल में मैं ये डिसाइड करने लगा कि मुझे अल्टीमेटली क्या करना है, क्या मुझे इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना है या मुझे किसी और फील्ड में जाना है। एंड आई वॉज वेरी क्लियर इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग कि दैट आई डू नॉट वॉन्ट टू बी इन engineering, rather I would want to go into the civil services. And after that there has been no looking back. Civil service preparation मैंने second year of college से शुरू करी है by myself in college. And then in 2019 जब मैंने college pass out किया, I went to Delhi. Delhi में मैंने self preparation करी 1 साल. And after that मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया का residential coaching academy वाला exam दिया. तो तब से मैं उधर ही हूँ. या और यहाँ पे आपसे इसका राज जानना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें engineering students के, बहुत सारे engineering students ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग को तर्क करके सिविल सर्विस में आते हैं और सिविल सर्विस में कामयाब हो जाते हैं, क्या वजूहत है इसके? आई वुड से सिविल सर्विसेज इज एक्चुअली अपीयरिंग मोर अट्रैक्टिव टू इंजीनियर्स, और साथ साथ में हमें पता है कि सिविल सर्विसेज में अब जो एप्टीट्यूड वाला एग्जाम होता है उसमें एक पेपर रहता है एप्टीट्यूड वाला, जो मोस्टली इंजीनियर्स ही क्वालिफाई कर पा रहे हैं। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि ये इंजीनियर्स क्यों इसकी तरह रुझान कर रहे हैं, एंड आई एम नो एक्सेप्शन टू दिस। कामयाबी हासिल करने के साथ साथ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हार्डशिप के जानना चाहेंगे, किन किन मुश्किलों का सामना आपने किया? आई वुड से मुश्किलों में मोर देन एनफ दैट माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन देयर। आई डोंट थिंक आई कैन रिकॉल ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ हार्डशिप, एटलीस्ट फ्रॉम माई फैमिली परस्पेक्टिव, बी इट सोशोलॉजिकल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ऐसा कुछ मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर कभी हावी होने नहीं दिए हैं। बट हाँ, कभी कभी क्योंकि दिस
प्रिपरेशन इन इटसेल्फ इज टायरिंग. फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जाम जो था इसका फॉर्म मैंने 2 साल पहले भरा है एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट 2 इयर्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ वन सिंगल एग्जामिनेशन. तो इन द मीनवाइल अगर इन केस आपके फेवर में रिजल्ट नहीं जा रहे हैं या रिजल्ट डिले हो रहे हैं दैट कॉस्ट्स यू मेंटल थोड़ा सा इशू रहता है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है इस चीज का. बट अल्टीमेटली उस चीज को टैकल करना ही ये सिविल सर्विसेज हमें सिखाता है. कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होता है. उस्तादों के साथ साथ वालिदैन भी कलीदी रोल अदा करते हैं. कितना मदद किया वालिदैनों ने आप? जी मैं कहूँगा कि अगर अल्लाह ताला के बाद किसी का रोल इसमें आता है तो मेरे मदर और मेरे फादर का आता है. देन माय फैमिली दे हैव बीन वेरी मच पिवोटल इन दिस प्रोसेस. आई वुड लाइक थैंक देम एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव देयर पेरेंट्स लाइक दिस. यावर यहाँ पे आपसे जानना चाहे कि आपके वालिदैन क्या कर रहे हैं, आपके मम्मा और आपके पापा क्या कर रहे हैं? माय मदर इज अ होममेकर एंड माय फादर वर्क्स इन रूरल डेवलपमेंट. यावर बहुत सारे आपको देख रहे होंगे इस वक्त जो सोच रहे होंगे कि हम आने वाले साल में केएस के लिए जाएंगे और वो भी इसी सोच में होंगे कि मुश्किलों का सामना करना है, तो क्या मैसेज रहेगी उनके लिए? आई वुड से कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ गोल्स इज इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी लाइफ के साथ करना क्या चाहते हैं या हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं. वन इज दैट इज क्लियर, बाकी सारे एफर्ट्स जो भी हैं जो भी रिसोर्सेज दे विल फॉल इन लाइन, सम हाउ यू विल मैनेज देम प्रोवाइडेड यू नो कि वेयर यू आर हेडिंग टू. अगर आपको गोल क्लियर है तो आपको पता है कि आपको कहाँ करियर बनाना है एंड यू वोंट फील एनी ऑब्स्टेकल्स प्रोवाइडेड यू हैव द विल टू अचीव दिस टारगेट. बहुत सारे नौजवान चूंकि अगर हम बात करें जेके एसएसबी की वहां से नाउमीद होकर मंशियात की तरह जा रहे, तो क्या पैगाम रहेगा उनके लिए? जी आई वुड से दैट इज अ वेरी इमोशनल प्रॉब्लम बिकॉज अगर एक साइड से फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं एक फैमिली में और दे आर नॉट एबल टू लाइक सॉल्व इट, द इजिएस्ट वे इज टू लाइक गो फॉर द ड्रग्स एडिक्ट एंड अदर थिंग्स. एंड आई वुड से यस हियर द रोल ऑफ कम्युनिटी भी आता है बट एट द सेम टाइम फैमिली और पर्सनली एक इंसान का भी जो उन चीजों में मुलविस हो रहा है उसको भी ये सोचने की सलाहियत होनी चाहिए कि मैं आखिरकार कर क्या रहा हूँ और मुझे कहाँ जाना है. आई वुड से दैट. यावर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए. उम्मीद करेंगे जहाँ पे भी आप अपने ओहदे की मनसबी जिम्मेदारी फराइज अंजाम देंगे तो आप लोगों की बका के लिए ही काम करेंगे. नाजरीन मोहतरम ये हमारे साथ यावर बात कर रहे थे. मैं इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि हम यावर के बाप से बात करना चाहेंगे और इससे भी जानना चाहेंगे कि कितनी खुशी है कितनी मसरत का मकाम है. तुम वन पनु नाव और वनकन कर तुहद फर्जंदन ये एग्जाम क्वालिफाई के एस क्वालिफाई कूत खुशी तुम्हें तुंद शुक्रिया अल्लाह ताला कुल लठ बोत शुक्र कि वारा खुशी वनकस दुत अल्लाह ताला ये एम तक मेहनत मगर अल्लाह ताला तमिक फस फल तो वनकन सह फल वन यह गो कामयाब ये एग्जाम तुह नश वो जान कि तुम क्या पान कर और सत सो जान नौजवान वनकन एग्जाम क्वालिफाई कर खर तैयारी कर क्या रोज तुम तुंद पैगाम. बहुत पान कान बहुत रूरल डेवलपमेंटस मेट बहस पंचायत सेक्रेटरी कान तो बुस तमाम वालदन यह गुजारिश कर कि बच्चों ग दबाव त्रावन क्या ठीक हू बन यह बन बल्कि बच्चस सपोर्ट कर सह गल त्रा तमस गन कर क्या ठे कर ताकि सह ग पनस मंजिल पान ये बच्चे योर दबाव कर दपे ठे डाक्टर बन ठे तहसीलदार बन ठे डी सी बन तो सह तेस पे गो बोर हू त पज न कर बच्चस साथ दिन तलीम कुन ज्यादा तो बाकी मोन वन यह आम वालदन. चलिए नाजरीन मोहतरम ये यावर साहब के पापा बात कर रहे थे हमारे साथ. यावर की मम्मा भी यहाँ पे है, यावर भी है, यावर दुल्हे की तरह सजाया गया है. आपसे चाहते हैं इजाजत, अल्लाह निगेबान.